हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू उषास ब्लॉग। आज बहुत दिन का बाद फिर से एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। आज 28 जून है और अभी अभी हम लोग कुल्लू से पार्वती वैली रवाना हुई हूँ, क्योंकि आज हम लोग मणिकरण टेंपल, शिव और पार्वती का टेंपल और मणिकरण गुरुद्वारा साहिब देखने के लिए जा रही हूँ। ट्वेंटी फोर्थ जून में हम लोग हिसार सिटी से ये यात्रा शुरू किया था। भाया चंडीगढ़ होके हम लोग कुल्लू मनाली के लिए 1 वीक का ट्रिप लेके आई हूँ। और ये देखिए, ये वैली का नाम पार्वती वैली है, कितना सुंदर है। एक साइड पहाड़ी से, ऊंची ऊंची पहाड़ी से भरा है रोड का, और दूसरा साइड देखिए ये पार्वती रिवर फ्लो हो रहा है। ये रोड नीचे से, मतलब कुल्लू से आपका मणिकरण टेंपल तक लगभग 50 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रिप है, और ये पूरा रोड एक साइड पहाड़ी से भरा है और एक साइड आपका ये जो साथ पार्वती रिवर चल रहा है, ये नीचे से पूरा ऊपर तक मणिकरण टेंपल तक साथ साथ चलेगा। लगभग 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद हम लोग एक मैगी पॉइंट में रुका। रास्ता का पास में ही एक छोटा सा टी स्टॉल जैसा था, वहाँ पे मैगी और टी वगैरह मिलता है। हम लोग ने मैगी खाने का डिसाइड किया, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाया, और अभी तक 1.5 घंटा ड्राइव किया और आगे लगभग और 1 घंटा ड्राइव करने पड़ेगा। आगे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही सोच कर हम लोग यहाँ 15-20 मिनट रेस्ट किया। गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट दिया, क्योंकि ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो गाड़ी को भी बीच बीच में, कार को भी थोड़ा बीच बीच में रेस्ट देना ज़रूरी हो जाता है। ड्राइविंग एक बहुत हैक्टिक स्केड्यूल है इस रोड पे, क्योंकि एवरी सेकेंड आपको जो ड्राइवर है उसको एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट, एवरी टर्निंग, बहुत ट्विस्ट एंड टर्निंग है, तो बहुत ध्यान लगा के चलाने पड़ता है, एकदम फोकस्ड रहने पड़ता है, और पैर एनी टाइम एक्सेलेटर और ब्रेक में ही रहता है। बहुत नर्व ब्रेकिंग ये ड्राइव है। ये ट्रिप का रास्ता बहुत ख़राब था, रास्ता बीच बीच में रास्ता नहीं है ही बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो बाढ़ आया था, फ्लड हुआ था, उसमें पूरा रोड ख़राब हो गया है। अभी जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पहाड़ी रास्ता है, बहुत नैरो रास्ता है, इसलिए बीच बीच में बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। लगभग 2.5 घंटा की ड्राइव के बाद हम लोग मणिकरण टेंपल पहुंच गई हूँ, और ये देखिए पार्वती रिवर है, मंदिर का एकदम सामने से बह रहा है। ये रिवर कुल्लू का नीचे जाके ब्यास रिवर पे समा जाता है, नीचे इसको ब्यास रिवर बोलते हैं। ये एरिया को पार्वती वैली बोलते हैं, और पार्वती वैली में ये पार्वती रिवर का सामने ही शिव पार्वती का ये एक टेंपल है, बहुत पौराणिक टेंपल है, और यहाँ पे ही एक गुरुद्वारा साहिब भी है। इसका भी दो अलग अलग हिंदू महत्व के अनुसार एक अलग कहानी है, और सिख रिलीजन के हिसाब से और एक कहानी है। दो बहुत सुंदर कहानी जुड़ा हुआ है इस टेंपल और गुरुद्वारा साहिब का साथ। और ये जो देख रहा है ना, नदी का बीच एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। पार्वती रिवर का पानी बहुत ठंडा है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा है, और उसका पास ही वो जो धुआं दिख रहा है ना गुरुद्वारा साहिब की वॉल से, और एक नेचुरल हॉट वाटर का स्प्रिंग है। बहुत गर्म है, हालांकि जो मंदिर का अंदर में खाना बनता है, गुरुद्वारा के जो लंगर बनता है, इसी हॉट वाटर स्प्रिंग का पानी से बनाते हैं, खाना पकते हैं। कहावत है कि ये हॉट वाटर स्प्रिंग का पानी से नहाने से बहुत सारा
रोग ठीक हो जाते हैं, बहुत सारा स्किन डिजीज ठीक हो जाता है, अलग अलग टाइप का बीमारियाँ ठीक होता है ऐसे कहावत है। और मंदिर का अंदर में, मंदिर का नहीं गुरुद्वारा का अंदर में नहाने का पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था भी है। शिव पार्वती की ये मंदिर और गुरुद्वारा साहिब नदी का एकदम बीचों बीच स्थित है और रास्ता से मंदिर तक जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है, ये पार्वती रिवर पार करना पड़ता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टील का ब्रिज भी बना हुआ है जहाँ पे अभी हम लोग खड़ा है। और इस ब्रिज ही ये रास्ता और मंदिर को जोड़ते हैं और गुरुद्वारा साहिब की अंदर से पहले गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके फिर शिव पार्वती का मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठा एक ही जगह में लोकेटेड है। पहले गुरुद्वारा साहिब दर्शन करके आप लोग गुरुद्वारा साहिब का अंदर से ही एक छोटा रास्ता है मंदिर जाने के लिए। ये दोनों ही स्थान बहुत पवित्र है और बहुत पौराणिक है। कहा जाता है कि इस मंदिर पे शिव पार्वती ने 1100 साल यही रहा, ऐसा पौराणिक कहावत है। चारों तरफ की ये मैस्मराइजिंग ब्यूटीफुल जो व्यू है, ये पार्वती वैली है, मंदिर है, पार्वती रिवर है, ये चारों तरफ के हमारे देश के जो अलग अलग प्रांत से आई हुई जनता है, ये सारे चीज़ें हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हम लोग ने कैमरा में कैद कर लिया। हर एक पल हम लोग कैमरा में कैप्चर कर लिया ताकि आगे नेक्स्ट जनरेशन इसको देखे, याद करे। ये गुरुद्वारा साहिब के अंदर का व्यू है, यहाँ पे माथा टेक के हम लोग शिव पार्वती का दर्शन के लिए शिव पार्वती जी का मंदिर मणिकरण मंदिर में गया। ये देखिए मणिकरण मंदिर का एंट्रेंस है और यहीं पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है जो मैं पहले बोला था। और ये देखिए नंदी जी का स्टैचू है और अंदर में शिव पार्वती जी बैठा है। और ये हॉट वाटर स्प्रिंग में लोगों ने छोटा छोटा पोटलियों में चावल बांध के पका रहा है और यहाँ पे सब लोग पैसा भी डोनेट करते हैं, दान करते हैं, स्प्रिंग का अंदर में पैसा रखते हैं और छोटा छोटा पोटलियों में बैग में थैली में चावल रख के यहाँ पे देखिए रस्सी लगा के चावल पकाने का कोशिश कर रहा है। लगभग 15-20 मिनट में पूरा चावल पक के तैयार हो जाता है। कहावत है कि ये पानी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है पानी का, इस पानी में नहाने से बहुत सारा बीमारियां ठीक हो जाता है, ऐसे पौराणिक कहावत है। ये देखिए मंदिर का दीवार में मंदिर का पूरा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसका बाद शाम ढलने लगा है और हम लोग भी वापस कुल्लू आने का तैयारी कर लिया है, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 घंटा का रोड है और रोड भी बहुत ख़राब है, नैरो भी है और ट्रैफिक भी बहुत जाम है। बहुत सारा लोग मंदिर और गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने, मंदिर का दर्शन करने आते हैं। और मंदिर से लगभग 15-20 किलोमीटर में ये दूरी में ये देखिए कसोल छोटा सा शहर है, इसका भी बहुत कहानी है, मैं आप लोग को एक दूसरा वीडियो में बताऊंगी। ये ऐसे लगता है कि इंडिया का अंदर में ही एक यूरोपियन कंट्री बसा है। यहाँ का बहुत फेमस जगह है कसोल। और धीरे धीरे ये देखिए हम लोग कुल्लू पहुँच गई हूँ और आज के लिए मेरे वीडियो यही स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी, आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।